हेलो एवरीवन स्टडी उसे चैनल पे आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन मैथ्स के चैप्टर टू का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं देखिए पेज सेवेंटी टू एक्सरसाइज टू पॉइंट फाइव का क्वेश्चन नंबर नाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर टेन देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर इलेवन देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही क्वेश्चन थर्टीन का वन देख लीजिएगा का टू वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ठीक है थ्री फोर भी देख लीजिएगा और थर्टीन का फाइव वेरी वेरी इंपोर्टेंट है यह क्वेश्चन का नंबर यह यह क्वेश्चन क्वेश्चन भी वेरी वेरी है आपके एग्जाम में आएगा ही एक्सरसाइज टू पॉइंट फोर का पेज नंबर सिक्सटी सिक्स में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर थ्री द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है यह आएगा ही एक्सरसाइज टू पॉइंट थ्री पेज नंबर सिक्सटी टू का क्वेश्चन नंबर टू वेरी वेरी इंपोर्टेंट लॉन्ग डिविजन मेथड यह क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएंगे ही तो चलिए शुरू से देख लेते हैं चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन इंपोर्टेंट है देखिए इसमें वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन फाइव मार्क्स के एमसीक्यू प्लस वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन टू मार्क आएगा और एक क्वेश्चन थ्री मैक आएगा टोटल टेन मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा देखिए इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एक्स प्लस पोलोनोमियल नहीं है क्योंकि डिवाइड में X है यह भी पोलोनोमियल नहीं है y y भी यह पोलोनोमियल नहीं है यह पोलोनोमल नहीं है क्योंकि यह जो डिवाइड में एक्स है जब इसे ऊपर ले जाएंगे नोमिनेटर में तो एक्स का पावर माइनस वन हो जाएगा पावर जो है माइनस वन हो गया इज नॉट ए होल नंबर माइनस वन इज नॉट ए होल नंबर सो इट इज नॉट ए पोलिनोम एक्स का पॉवर वन बाई टू तो पावर क्या हो गया फ्रैक्शन में हो गया वन बाई टू इज नॉट ए होल नंबर तो यह भी पोलिनोम नहीं है उसी प्रकार यह भी देखिए क्यूबिक रूट ऑफ वाई मीन्स वाई का पावर वन बाई थ्री अभी जो पावर हो गया वाई का पावर वन बाई थ्री या वन बाई थ्री क्या हो गया फ्रैक्शन हो गया यह अभी क्या है होल नंबर नहीं है पावर होल नंबर होना होगा होने के लिए तो यहां में जो है पोलोनोम होल नंबर नहीं है सो यह भी पोलोनोम नहीं है पेज नंबर फिफ्टी टू में देखिए द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो पोलोनोमियल इज जीरो नॉन जीरो पोलोनोमियल का डिग्री कितना होता है जीरो होता है यह क्वेश्चन वन मार्क का एमसीक्यू में आएगा एग्जाम्पल वन देखिए फाइंड द डिग्री डिग्री निकालना है डिग्री का मतलब क्या होता है पावर यहां पे देखिए x का पावर फाइव है x का पावर फोर है यहां में x का पावर जीरो है तो हाइएस्ट पावर क्या हुआ फाइव तो डिग्री कितना हो गया इसका फाइव हो गया ठीक है यहाँ देखिए इसमें y का पावर टू है y का पावर थ्री है y का पावर एट है और यहाँ में y का पावर जीरो है तो हाइस्ट क्या हो गया y का पावर एट तो डिग्री हमें कितना हो गया एट हो गया यहाँ देखिए टू है यहाँ एक्स का पावर नहीं दिया है नहीं दिया इसका मतलब क्या है एक्स का पावर है जीरो है एक्स का पावर कितना है जीरो है तो डिग्री कितना हो गया इसका इसका डिग्री हो गया जीरो पेज नंबर फोर एक्सरसाइज टू पॉइंट वन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोम इन वन वेरिएबल तो देखिए यह पोलिनोमियल है ठीक है एंड एक्सी एक्सी है वेरिएबल दैट मीन इट इज अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल यह भी पोलिनोम है इट इज इन वन वेरिएबल सिर्फ वाई है इट इज नॉट ए पोलोनोमियल यह पोलोनोमियल नहीं है क्यों क्योंकि रूट टी रूट टी का मतलब टी का पॉर वन बाई टू टी का पावर फ्रैक्शन में हो गया तो यह पोलोनोमियल नहीं है यह भी पोलोनोमल नहीं है क्योंकि डिवाइड में वाई आ गया डिवाइड में वाई आ गया इसका मतलब वाई का पावर वन है जब अप में जाएगा तो वाई का पॉर क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा तो यह भी पोलोनोमियल नहीं है यह पोलोनोमियल है बट एक्स वाई जेड इट इज ए पोलोनोमियल इन थ्री वेरिएबल ठीक है देखिये क्वेश्चन नंबर टू राइट द ऑफ ऑफ स्क्वायर 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 तो x के आगे यहां है x हो गया इस क्वेश्चन में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है कुछ भी नहीं तो वन है सो माइनस वन हो गया एक्स स्क्वायर के आगे कितना है पाई बाई टू हो गया और यहां में एक्स स्क्वायर नहीं है एक्स स्क्वायर नहीं है इसका मतलब क्या है जीरो इंटू एक्स स्क्वायर है ठीक है इसका मतलब कोफिशियंट ऑफ एक्सर क्या हो गया जीरो हो गया ओके क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए गिव वन ऑफ बाइनोमियल बाइनोमियल गिवेलोमी फाइव तो एक्स का पावर थर्टी फाइव लिख दीजिए एंड मोनोमियल मोनोमियल का मतलब एक्स एक्स क्या हो गया मोनोमियल हो गया इसका डिग्री तो मतलब हंड्रेड है तो एक्स का पावर हंड्रेड लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर फोर देखिए राइट द डिग्री यहां डिग्री का मतलब हाइस्ट पावर एक्स का पावर थ्री है एक्स का पावर टू है एक्स का पावर वन है तो हाइस्ट कितना हो थ्री तो इसका डिग्री थ्री हो गया इसका डिग्री टू हो गया इसका डिग्री वन हो गया और यहां में नहीं है इसका मतलब एक्स का पावर जीरो है तो यहां डिग्री कितना हो गया जीरो क्वेश्चन नंबर एट देखिए द क्लासीफाइड लीनियर क्वारिटिक एन क्यूबिक अगर डिग्री वन हुआ मीन्स हाइस्ट पावर वन हुआ तो लीनियर और हाइस्ट पावर टू हुआ तो क्वालिटिक और हाइस्ट पावर थ्री हुआ तो क्या बोलेंगे क्यूबिक तो देखिए हाइस्ट पावर टू है तो यह क्वाड्रेटिक हो गया हाइस्ट पावर थ्री है तो क्यूबिक हो गया हाइस्ट पावर टू है तो क्वाड्रेटिक हो गया हाइस्ट पावर वन है तो लीनियर हो गया हाइस्ट पावर वन है पावर तो लीनियर हो गया हाइस्ट पावर टू है तो क्वाड्रेटिक हो गया हाइस्ट पावर थ्री है तो क्यूबिक हो गया उसके बाद में यह एग्जाम्पल टू देख लीजिएगा ओके एग्जाम्पल टू यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट है पेज फिफ्टी फाइव एग्जाम्पल फोर यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्या बोला है फाइंड द जीरो टू एक्स प्लस वन का जीरो निकालना है तो टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो लेंगे तो टू एक्स इक्वल टू क्या हो गया प्लस माइनस वन हो गया तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया माइनस वन और टू जाके डिवाइड हो गया तो माइनस वन बाई टू क्या हो गया जीरो हो गया एग्जाम्पल फाइव देखिए वेरीफाई वेदर टू एंड जीरो आर द जीरो ऑफ द पोलोनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स पी एक्स इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स तो एक बार टू रख देंगे हम लोग इसका वैल्यू टू रख देंगे और जीरो आ गया इसका मतलब टू इज जीरो ऑफ जीरोल पीएक्स फिर जीरो रखेंगे एक्स की जगह में और सोल्व करेंगे जीरो आ गया तो हम बोल सकते हैं जीरो इज जीरो इज द जीरो ऑफ पोलोनोमियल पी एक्स तो इस तरह से क्या हो गया वेरीफाइड हो गया एक्सरसाइज टू पॉइंट टू का वन का टू देख लीजिएगा इंपोर्टेंट है और टू का टू टू का फोर और क्वेश्चन नंबर थ्री का वन देख लीजिएगा और फोर नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है फाइंड द द ऑफ दीरोज निकालना है तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इसलिए इसे सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा एग्जाम्पल सिक्स डिवाइड पी एक्स बाई जी एक्स वेयर पीएक्स इतना है और जीएक्स इतना है ये क्वेश्चन देख लीजिएगा देखिए यहां डिवाइड किया हुआ है पेज नंबर फिफ्टी नाइन में ओके और डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेशन प्लस रिमाइंडर इसे भी जरूर देख लीजिएगा यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट है एमसीक्यू में देता है यह और पेज नंबर सिक्सटी एग्जाम्पल सेवन वेरी भेरी, -भेरी इंपोर्टेंट है यह डिवाइड करने के लिए एग्जाम में आएगा ही और क्वेश्चन नंबर एट देखिए फाइंड द रिमाइंडर यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट है इसे आप डिवाइड नहीं करके आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके भी आप निकाल सकते हैं पेज नंबर सिक्सटी वन एग्जाम्पल नाइन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस ओके एक्सरसाइज टू पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर टू वेरी वेरी इंपोर्टेंट है और सिक्स का टू नंबर देख लीजिएगा पेज नंबर सिक्सटी थ्री का एग्जाम्पल इलेवन इंपोर्टेंट है देख लीजिएगा और एग्जाम्पल ट्वेल्व जो है वेरी इंपोर्टेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ दिस पेज नंबर सिक्सटी फोर एग्जाम्पल थर्टीन फैक्ट्राइज इसे मिडिल टर्म ब्रेक करके बनाना होगा फैक्ट्राइज क्या करेंगे सिक्स को फाइव से इंटू करेंगे कितना होगा थर्टी थर्टी का फैक्टर निकालेंगे वन इंटू थर्टी थर्टी होता है टू इंटू फिफ्टीन थर्टी होता है थ्री इंटू टेन थर्टी होता है फाइव इंटू सिक्स थर्टी होता है इतना सारा फैक्टर आ गए अब इसमें से उसको लेंगे यहाँ क्या है प्लस है डेट मीन्स प्लस करने से सेवनटीन आना चाहिए तो प्लस करने सेवनटीन 17 आ रहा है फिफ्टीन प्लस टू सेवनटीन बाकी सब नहीं होगा ओके सो so, फिफ्टीन प्लस टू सेवनटीन सेवनटीन का जगह क्या लिखना पड़ेगा फिर करना होगा पेज नंबर सिक्सटी फाइव एग्जाम्पल फोर्टीन फैक्टराइज यह अभी क्या है ठीक है वाई स्क्वायर माइनस फाइव है तो वाई स्क्वायर का आगे वन है तो वन इंटू सिक्स सिक्स होगा सिक्स का फैक्टर निकालेंगे वन इंटू सिक्स सिक्स होता है इंटू थ्री सिक्स होता है यहां क्या है प्लस करने से फाइव आना चाहिए तो प्लस करने से फाइव थ्री प्लस टू ठीक है 3 plus 2. तो का one number देख लीजिएगा बोला है है क्या चार ऑप्शन दिया हुआ इसमें से कौन सा पोलोनोमल का फैक्टर एक्स प्लस वन होगा तो एक्स प्लस वन फैक्टर है तो यहां से x का वैल्यू कितना माइनस वन क्योंकि एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो तो माइनस वन हो जाएगा तो यहां x का वैल्यू अगर माइनस वन रखेंगे तो इसका वैल्यू जीरो आ जाएगा इसका मतलब इसका फैक्टर एक्स प्लस वन है तो यह ए बी सी डी चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए क्वेश्चन टू का थ्री नंबर देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर थ्री फाइन दू के इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर देखिए फैक्टराइज या सारे क्वेश्चन किसे बनेगा मिडिल टर्म ठीक है मिडिल टर्म एक्सप्लीट करने से बनेगा मिडिल टर्म को ब्रेक करके हम लोग बनाएंगे ठीक है तो मिडिल नम्बर, नम्बर, यह मिडिल टर्म से वन नंबर टू नंबर फोर फाइव सिक्स ये जरूर बना लीजिएगा यहां देखिए ट्वेल्व वन या ट्वेल्व हो रहा है तो 12 का ऐसा दो फैक्टर निकालेंगे कि प्लस करने से 7 आना चाहिए। तो फोर थ्री या टेल्व और फोर प्लस थ्री सेवन आ गया टू थ्री या प्लस करने सेवन सेवन का जगह क्या लिखना पड़ेगा सिक्स प्लस वन यहाँ देखिये सिक्स इंटू सिक्स थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स का ऐसा दो फैक्टर निकालिए कि माइनस करने से फाइव होना चाहिए तो क्या होगा देखिए थर्टी सिक्स और नाइन में से फोर माइनस करेंगे तो फाइव आ जाएगा तो फाइव लिखना पड़ेगा नाइन माइनस फोर उसी प्रकार देखिए थ्री इंटू फोर ट्वेल्व ट्वेल्व का ऐसा फैक्टर कीजिए कि माइनस करने से वन होना चाहिए तो क्या होगा फोर थ्री ट्वेल्व और फोर में से थ्री माइनस करेंगे तो वन टू इंटू फोर्टी फाइव नाइन्टी हो गया माइनस करने से आना चाहिए क्या वन तो देखिए टेन इंटू नाइन नाइनटी और टेन में से नाइन माइनस करेंगे तो वन आ जाएगा वन है ऐसा तो फैक्टर कि प्लस करने से एटीन आना चाहिए तो थर्टीन फाइव जा फाइव और एटीन की जगह क्या लिखना पड़ेगा इंपोर्टेंट है एग्जाम्पल सेवनटीन भी इंपोर्टेंट है देख लीजिएगा एग्जाम्पल एटीन भी देख लीजिएगा एग्जाम्पल नाइनटीन एग्जाम्पल ट्वेंटी ट्वेंटी वन एग्जाम्पल ट्वेंटी टू तो इस तरह से तो इस तरह से इस चैप्टर में आइडेंटिटी दिया हुआ है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स देखिए आइडेंटिटी सिक्स है सेवन है और एट है इस तरह से एट आइडेंटिटी दिया हुआ है इसको आप एट फार्मूला ही बोल सकते हैं इसे जरूर आप लोग लर्न कीजिएगा अगर इस एट फार्मूला को आप लर्न करेंगे तो ही यह चैप्टर आप बना सकते हैं एग्जाम्पल ट्वेंटी थ्री देख लीजिएगा इंपोर्टेंट है एग्जाम्पल ट्वेंटी फोर यह आइडेंटिटी एट का प्रूफ दिया हुआ है पेज नंबर सेवेंटी वन में देखिए यह आइडेंटिटी एट दिया हुआ है ठीक है तो शुरू से जितना आइडेंटिटी है सब देख लीजिएगा आप लोग यह देखिए फॉर्मूला वन ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इसे जरूर लर्न करना होगा माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर नंबर थ्री ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आईडेंटिटी फोर मैंने फॉर्मूला फोर एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी ओके और आइडेंटिटी फाइव नंबर देखिए ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए आइडेंटिटी सिक्स नंबर मीन फॉर्मूला सिक्स ए प्लस बी होल की फार्मूला सेवन ए माइनस बी होल की टू ए क्यू माइनस बीक्यू माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी और फार्मूला एट ए क्यू प्लस बीक्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए तो यह आठ फॉर्मूला है इसे जरूर याद कर लीजिएगा एग्जाम्पल ट्वेंटी फाइव देख लीजिएगा एक्सरसाइज टू पॉइंट फाइव का वन का फोर नंबर फाइव नंबर देख लीजिएगा इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर टू का थ्री देख लीजिएगा इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर थ्री देख लीजिएगा क्वेश्चन फोर का सिक्स नंबर वेरी वेरी इंपोर्टेंट है क्वेश्चन फाइव इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नाइन नंबर वेरी वेरी इंपोर्टेंट है टेन नंबर देख लीजिएगा इलेवन देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का वन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है और थर्टीन का टू नंबर देख लीजिएगा ठीक है और फाइव नंबर देख लीजिएगा इंपोर्टेंट है पेज सेवेंटी थ्री में चैप्टर के लास्ट में समरी दिया हुआ है टू नंबर अपोलिनोम ऑफ वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल ठीक है एक टर्म जैसे x एक टर्म है मोनोमियल तो हो गया ऑफ टू टर्म इज अपोलिनोमोम एक्स प्लस वाई दो टर्म हो गया तो बाइनोमियल हो गया अपोलोनोमियल ऑफ थ्री टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल x प्लस वाई प्लस जेड तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल हो गया एपोलोनोमियल ऑफ डिग्री वन इज कॉल्ड लीनियर पोलोनोमियल अगर डिग्री वन है तो लीनियर पोलोनोमियल जैसे एक्स का पावर वन अब पोलोनोमियल ऑफ डिग्री टू इज कॉल्ड क्वारेटिक प्रोलोनोमियल जैसे एक्स का स्क्वायर यह क्वारेटिक प्रोलोनोमियल हो गया अब पोलोनोमियल ऑफ डिग्री थ्री इज कॉल्ड क्यूबिक पोलोनोमियल तो एक्स का पावर थ्री यह क्यूबिक पोलोनोमियल हो गया ठीक है इस तरह से एट नंबर टेन नंबर रिमाइंडर थ्योरम जरूर देख लीजिएगा एलेवन नंबर फैक्टर थ्योरम ठीक है बाकी ये जो है आइडेंटिटी था से जरूर देख लीजिएगा आप लोग तो इस वीडियो में इतना ही आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा तो इस वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू